हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग, जिसे आज हम बनाएंगे छोटी छोटी कटोरी में विदाउट अवन। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, साथ ही साथ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आपको देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा होगा। और आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा स्मूद है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूद और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया छोटे वाले ब्रेड स्लाइस। यहाँ पर मैंने 7 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। और सबसे पहले इनके जो एजेस हैं उन्हें हमें कट करके निकाल देना है। तो इनके एजेस को हम निकाल देंगे। और इसके बाद इसे इस तरह से हम रफली काट लेंगे। और इसके बाद इसे डाल देंगे हम ब्लेंडिंग जार में। और इनका हमें बनाना है एक फाइन पाउडर, तो इसे ब्लेंड कर लेंगे हम। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे कैरमल ब्रेड पुडिंग के लिए कैरमल। तो पैन में डालेंगे 1/4 कप चीनी और इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे कैरमल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कि ये शुगर जो है वो कैरमल होना स्टार्ट हो गई है। तो हमारा जो कैरमल है वो बन के बिल्कुल रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास स्टील की छोटी छोटी कटोरी, और इसमें डाल देंगे हम कैरमल को। एक एक स्पून इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये भी हो गया, इसे भी हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप दूध। तो इसमें 1.5 कप दूध मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 4 बड़े चम्मच चीनी, साथ ही में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। और इसे डालकर हम मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे हम पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट नहीं हो जाता। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे बैठ जाएंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स जो अभी हमने रेडी किया था। तो 1-1 चम्मच करके आप इसमें ऐड करें थोड़ा थोड़ा, और इसे मिक्स करते जाएं जिससे कि इसमें कोई गुठली ना पड़े। इसे डालते जाएं और आप मिक्स करते जाएं एक हाथ से, और गैस का जो फ्लेम है वो आप लो पे कर दें। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये मिक्सचर जो है वो काफ़ी थिक भी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हमें इस छोटी छोटी कटोरियों में। और इसके बाद इसे एक स्पून की हेल्प से ऊपर से हम इसे इवन कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम इसे कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से, जिससे कि इसे जब हम स्टीम करेंगे तो जो भी बूंदें हैं वो डायरेक्ट इनके ऊपर ना आए। इसलिए इसे कवर कर दें आप एल्युमिनियम फॉइल से या फिर क्लीन रैप से। और ये रेडी है स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रखा है गर्म पानी, उसके ऊपर एक स्टैंड रख के एक प्लेट रख देंगे और इसमें रख देंगे छोटी छोटी कटोरियों को। और अब हम इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो टोटल 20 मिनट हो गए हैं और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और अब हमें इन्हें रख देना है फ्रिज में 1 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से सेट नहीं हो जाते। 1 घंटे बाद हम इन्हें निकालेंगे। 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें। तो देखिए, 1 घंटे बाद मैंने इन्हें निकाला है, पुडिंग जो है वो सेट हो गई है अच्छे से। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही क्यूट सी दिखने वाली पुडिंग कटोरी में बन के रेडी हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में ही, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्मूद है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्मूद और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, साथ ही साथ कितना ईजी था इसे बनाना आपने देख ही लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को फटाफट से अपने किचन में ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।